चिल्ड्रन, आज हम सीखने वाले हैं वाटर कलर शेड्स। इसके लिए हम पेज नंबर 6 का फ्रूट्स वाला टॉपिक ले रहे हैं। इसमें से एक फ्रूट में हम अभी कलर करके देखेंगे और उसमें शेड भी अप्लाई करेंगे साथ में। चिल्ड्रन, फ्रूट्स लेसन में से हम एक फ्रूट में अब कलर करके देखने वाले हैं। आप देखेंगे कि इस वाले फ्रूट में येलो और ग्रीन कलर की डार्क और लाइट टोन्स हैं। तो चिल्ड्रन एक बात समझ लो, जब भी हम वाटर कलर करते हैं तो सबसे पहले यूज करते हैं लाइट टोन। तो ग्रीन और येलो कलर में से लाइट टोन है येलो, तो येलो कलर की भी हम जो लाइट टोन है वो सबसे पहले अप्लाई करेंगे। उसके लिए हम सबसे पहले वाटर ले लेते हैं। यहाँ मैं वाटर ले रहा हूँ और ये वाला जो कलर है येलो का थर्ड नंबर का, इसको मैंने थोड़ा सा लिया और इस वाटर में मिक्स कर दिया। अब ये वाटर में यहाँ अप्लाई कर रहा हूँ जिसमें कलर मिक्स है येलो, इसको आप पूरे पे भी अप्लाई कर सकते हैं। जब ये हो जाए तो आप सेकंड टाइम में डार्क टोन के लिए येलो थोड़ा सा और मिक्स कर लें इसमें, और जहां जहां भी येलो की डार्क टोन है वहां वहां आप इसे अप्लाई करें। जैसे यहाँ 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 और एक ब्रश पानी से गीला करने के बाद उसको हल्का सा यहाँ घुमाएंगे तो जो लाइन बन रही है आपकी ये मर्ज हो जाएगी। फिर सेकंड कलर आपको बनाना है ग्रीन कलर, तो मैंने ये ग्रीन कलर बनाया है। चिल्ड्रन ये कलर आप पहले से अगर बना के रखेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, इससे आपका कलर सूखेगा नहीं और आपका कलर मिक्सिंग अच्छे से होगा। अभी मेरा कलर कुछ सूख गया है लेकिन ठीक है, मैं इसे वापस से वाटर से गीला कर लूंगा। अब देखो यहाँ एक लाइन क्रिएट हो रही है इस जगह पे। इसको मिक्स करने के लिए मैं एक वाटर में ब्रश डालकर इसको यहाँ से मर्ज कर रहा हूँ जिससे ये ग्रीन कलर मर्ज हो जाए। ठीक है, इसके बाद मैं ग्रीन का डार्क टोन ले रहा हूँ। डायरेक्ट भी अप्लाई कर सकते हैं हम ये, और यहाँ यहाँ आप देखेंगे कुछ डार्क पार्ट है, इसे भी आप अच्छे से मर्ज कर लेंगे। एक अलग से ब्रश भी रखें जो कलर में ना हो, वो आपके मिक्स करने के काम आएगा। कुछ कुछ यहाँ भी डार्क टोन है तो आप अप्लाई कर सकते हैं यहाँ। कुछ यहाँ भी जा रहा है, दूसरा ब्रश में ले लेता हूँ ताकि इसे थोड़ा सा मिक्स कर सकूँ। यहाँ इस पार्ट पे कुछ हल्का सा ब्राउन जैसा शेड भी आपको नजर आ रहा होगा, तो मैं हल्का सा वो भी ले लेता हूँ ब्राउन, ज्यादा डार्क ना ले हल्का सा ले, और इसको वापस वाटर से मर्ज कर लें। तो मैंने ब्रश में वाटर ले लिया और मैं इसे अच्छे से मर्ज कर रहा हूँ, ज्यादा डार्क हो जाए। दूसरा ब्रश वाटर में लेके इसको अच्छे से मर्ज करें। कुछ कुछ डार्क पार्ट इधर भी आ रहा है तो मैं इधर भी ले रहा हूँ। अब आप देखेंगे कि इस जगह पे व्हाइट टोन निकली हुई है एक, लेकिन हमने येलो कलर कर दिया है। तो कोई बात नहीं,
हम जब ये पूरा अच्छे से ड्राई हो जाए तो जहाँ भी वाइट है यहाँ, तो हम वाइट कलर लेके, डार्क वाइट लेके उसको एक लाइन बना लेंगे। यहाँ भी एक वाइट का डॉट है तो आप वो भी कर सकते हैं, जहाँ भी आपको वाइट नजर आए आप ऊपर से भी कर सकते हैं, और अगर आप पहले से वाइट छोड़ना चाहते हैं तो भी आप उसे पहले से वाइट छोड़ दें। चिल्ड्रन, नेक्स्ट हम लीफ में कलर करने वाले हैं। इसके लिए लाइट ग्रीन कलर हम पहले लीफ में पूरा घुमा लेंगे। ये लाइट ग्रीन कलर मेरा यहाँ बना हुआ है, ऐसे पूरा घुमा लेता हूँ अच्छे से। थोड़ा सा इसे ड्राई होने देंगे हम। यहाँ पर ब्राउन कलर, फिर ग्रीन का डार्क टोन बना लें आप, यानी ये डार्क ग्रीन कलर। जहां जहां लगता है डार्क है वहां घुमा लें इसको। इसके बाद लास्ट डार्क ग्रीन का हम टोन, लास्ट में जब ये ड्राई हो जाएगा तो हम इसको लगाने वाले हैं। जब थोड़ा ड्राई हो जाए तो डार्क ब्राउन कलर लेके जहाँ भी डार्कनेस है वहाँ आप लगा लेंगे। हल्का सा पानी से मर्ज कर लें। चिल्ड्रन, जब फ्रूट का कलर पूरी तरीके से ड्राई हो जाए तो अब हम वाइट कलर अप्लाई करेंगे। एक डॉट इधर भी है। इस प्रकार हमारा फ्रूट कंप्लीट हो जाएगा। चिल्ड्रन, एक बात ध्यान रखनी है कि हमें हमेशा लाइट से डार्क की तरफ जाना है। पहले लाइट कलर यूज करना है, लाइट टोन यूज करनी है, उसके बाद डार्क कलर डार्क टोन यूज करेंगे। चिल्ड्रन, इसी तरीके से आप बाकी तीनों फ्रूट्स जो बचे हुए हैं उनमें शेड करेंगे। बाकी जो तीनों फ्रूट्स आपके बचे हुए हैं इसमें आप रेड, ऑरेंज एंड येलो कलर यूज़ कर सकते हैं, जो ये होंगे रेड, ऑरेंज एंड येलो। उसके बाद आप इनमें देखोगे तो ये दोनों सिमिलर कलर्स हैं, तो इसमें आप डार्क पिंक, पिंक ये कलर आप यूज़ करेंगे, और कहीं अगर डार्क टोन आपको लगती है तो डार्क पिंक में हल्का सा ब्राउन कोई भी टोन ले सकते हैं आप, और उसे मिक्स करके अच्छे से शेड कर लेंगे। ग्रीन कलर आपको पता ही है, लाइट ग्रीन और डार्क ग्रीन कलर आप यूज़ करेंगे। थैंक यू चिल्ड्रन।